In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में. लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन का जो आगाज है उसको कर दिया गया है. पेड कोर्स, पेड क्लासेस. सर जरूरत है? ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार, पता नहीं कितनी बार, हर दफ़ा फेल हो चुके हैं, फिर आपको ज़रूरत हो सकती है. अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है. YouTube पर जितनी मेरी वीडियोस हैं इनफ हैं. लोग पास यहीं से होते हैं और जाकर इदारों में इस टाइम लॉ भी कर रहे हैं. ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप बहुत दफ़ा अगर फेल हो चुके हैं तो आप अब्दुल रहमान यासिन को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारी पर्सनल क्लासेस हासिल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मेरे एडमिन का नंबर मौजूद है, आप उसे रब्ता कर सकते हैं. क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है. लॉ एडमिशन की जो डेट है, टेस्ट डेट है, मैं उस पर बात करने लगा हूँ. टेस्ट जो है वो आपका 9 अप्रैल को है. मार्च का जो मंथ चल रहा है ये गुजरने को है और 9 अप्रैल को आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा. और इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसके ऊपर एक अहम बात है. डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जाने हैं उसमें आईडी कार्ड होना चाहिए आपका. बस आईडी कार्ड और रोल नंबर स्लिप, दैट्स इट. सर आईडी कार्ड तो नहीं है, मैं छोटी हूँ या छोटा हूँ, क्या करूँ? अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं. जब आप ये वीडियो देख रहे हैं बहुत दिन पड़े हुए हैं. 2 दिनों के अंदर डोमिसाइल बन जाता है. अर्जेंट बेस के ऊपर बनवाना है, नॉर्मली बनवाना, अर्जेंट बनवाएं, डोमिसाइल ले जाएं. अभी मैं बता रहा हूँ, टाइम है आपके पास, डोमिसाइल बनवाएं बेफार्म की बिहाफ के ऊपर. भाई बेफार्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. बेफार्म एक्सेप्टेबल नहीं होना सर. बेफार्म ले जाएंगे कोई मसाइल एंटर ही नहीं होने देंगे वो आपको. बेफार्म के ऊपर एंट्री नहीं होगी. बेफार्म लेकर जाएंगे किसी वकील को, कहें उसे कोई डोमिसाइल बनवा दें, अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट अर्जेंट चाहिए, वो आपको अर्जेंट बनवा देंगे. 2 दिनों के अंदर बन जाएगा. 1300-1400 का बनाएंगे, कितने का बनता है आई डोंट नो, बड़ा सस्ता ही है, 2000 तक ज़्यादा होगा. बनवा लीजिएगा आप. आईडी कार्ड हो या ऐसा नहीं कि सब चीज़ें होनी चाहिए भाई, कोई भी एक चीज़ हो जाए, या तो आईडी कार्ड हो जाए या फिर अगर नहीं है तब वन आईडी कार्ड इज़ इनफ एंड रोल नंबर इज इनफ. आईडी कार्ड नहीं है इट्स ओके, फिर लेके आओ आप डोमिसाइल. डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास. सर डोमिसाइल भी नहीं है क्या करें? मैट्रिक की या फिर इंटर की सनद ले जाएं, सनद ले जाएं या ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड. और कॉपी शॉपी नहीं हो आप एक्सेप्टेबल, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेकर जाए यहाँ पर. ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ले जाए, वैसे सनद चलेगी यहाँ पर. 80-100% सनद चलती है, लेकिन कोई शायद कि वो रिजल्ट कार्ड भी चला लें, वरना सनद चलती है मैट्रिक या इंटर की. ठीक है, ये ले जाए. या फिर नहीं, ये भी नहीं है, स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए. सर वो भी नहीं है तो फिर पासपोर्ट ले जाएं. सर पासपोर्ट भी नहीं है, फिर आप घर बैठ जाएं. आईडी कार्ड होना चाहिए, नहीं है. डोमिसाइल होना चाहिए, सर नहीं है. स्मार्ट कार्ड, अपना स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड, पासपोर्ट होना चाहिए या फिर डोमिसाइल होना चाहिए या इंटर या मैट्रिक की सनद होनी चाहिए. इन 5 में से कोई चीज़ें भी, अभी बहुत टाइम है, 2-3 दिनों में पासपोर्ट 5 दिनों के अंदर बन जाता है. अर्जेंट पासपोर्ट बनवा लें, वो 10-12 हज़ार से फीस है, वो जो अफोर्ड करते हैं वो बनवा लें. वरना जो डोमिसाइल के अंदर अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, 2 दिनों में डोमिसाइल बन जाएगा. अर्जेंट डोमिसाइल बनवा लें तो बेफार्म के ऊपर एंट्री नहीं होनी. जिनके पास आईडी कार्ड है सो बिस्मिल्लाह, वो तो फिर आज़ाद हैं. रोल नंबर आपने प्रिंट करवा लेनी है, साले जानी है. और एक अहम चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक अहम चीज़ जो आपने जब आपने चलान पेश किया था ना HEC को, HEC के अंदर रजिस्ट्रेशन की और एक चलान आया, वो हमने पे किया. एक कॉपी उन्होंने रख ली, 3 हमें दे दी, 2 की पिक्चर हमने अपलोड कर दी. एक कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेंट आईडी, वो आपने साथ ले, टेस्ट वाले दिन साथ ले जानी है. वैसे ना उन्होंने एंटर नहीं होने देना आपको, वो साथ लेकर जानी है जनाब. एप्लीकेंट आईडी जो है ना, वो जो चलान फॉर्म था जो आपने डाउनलोड किया था, फिर आपने बैंक में गए थे पे करने, वहाँ पे एक पे लिखा होगा एप्लीकेंट कॉपी या एप्लीकेंट कॉपी लिखा हुआ है, वो आपने साथ लेके जानी है. एप्लीकेंट कॉपी साथ हो, आईडी कार्ड साथ हो, रोमन स्लिप साथ हो, फिर आप एंटर हो सकते हैं. ये सारी गुफ्तगू थी. आप सवाल हो तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. थैंक यू.